नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। आरसीबी के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इस वक्त आईपीएल 2021 में बिजी हैं। चहल के पत्नी धनश्री वर्मा बायो बबल में अपने पति युजवेंद्र चहल के साथ हैं। धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें वो चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम के स्टैंड के पास पोज देती हुई नजर आ रही हैं। धनश्री वर्मा ने पोलका डॉट ड्रेस पहनी हुई है। इस ड्रेस में कमर तक शर्ट और उसके नीचे फ्लेयर्स वाली ड्रेस का लुक है। इस ड्रेस में वो काफ़ी क्लासी लग रही हैं। साथ में उन्होंने एक हाथ में गोल्डन वॉच और एक सिल्वर कड़ा पहना हुआ है, तो वहीं अपनी ड्रेस को उन्होंने वाइट सूट के साथ पेयर किया हुआ है। उनका ये लुक काफ़ी सिंपल और काफ़ी कूल लग रहा है। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 10वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने केकेआर को 38 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ आरसीबी की टीम 3 मैचों में 6 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं केकेआर की 3 मैचों में ये दूसरी हार है। टूर्नामेंट के इस सीजन में आरसीबी के प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे युजवेंद्र चहल इस मैच में पहले दोनों मैच में विकेट हासिल करने में नाकाम रहे थे, लेकिन केकेआर के खिलाफ खेले गए सीजन में अपने तीसरे मैच में ने 2 विकेट हासिल किए। मैच के दौरान जैसे ही चहल ने अपना पहला विकेट छटका, उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की आंखों से आंसू छलक गए। धनश्री काफ़ी भावुक हो गई थी। वो स्टेडियम में मौजूद होकर अपने पति की हौसला अफजाई कर रही थी। बता दें, मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैचों में युजवेंद्र चहल को एक भी विकेट नहीं मिल पाया था और इन दोनों ही मैचों में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रन लुटा दिए थे। हालांकि रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चहल ने शानदार कमबैक किया। अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक के महत्वपूर्ण विकेट छटके। इस दौरान उन्होंने 8.50 की इकोनॉमिक से गेंदबाजी की और 34 रन दिए। इसी बीच युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा को इमोशनल होते हुए कैमरे में कैद किया गया। जैसे ही युजवेंद्र चहल ने टूर्नामेंट के इस सीजन में अपना पहला विकेट लिया, धनश्री वर्मा की आंखों से आंसू आ गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स देखते रहिए वन इंडिया।